शैतवानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बासानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको मोहब्बत का और प्यार का वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, बहुत सारे कमेंट्स हमें आते हैं इस वजीफे या अमल को मैं आपको जब बताती हूँ तो प्लीज़ आपसे यही गुजारिश की जाती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। घर में किसी भी किस्म की नाचाकी है, परेशानी है, इख्तलाफात हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। आपका प्यारा रूठ गया है, नाराज़ है, उसको मनाने के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए अमल कर सकें। ठीक है, 100 मरतबा आपको मैं आज एक विर्द बताऊँगी। विर्द है या वहाबू, विद है या वहाब। 100 मरतबा इसका विद करना है, तसव्वुर में या तस्वीर के ऊपर दम करना है 100 मरतबा। अब दम करने का तरीका क्या है? ठीक है, अब आपने फजर के टाइम, मगरिब के टाइम और इशा के टाइम, हो सके तो तहज्जुद के टाइम 100 मरतबा आपने तसव्वुर में ला के तो दम करना है। 3 दिन का ये अमल है, 3 से 7 दिन तक ये अमल करें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमन पड़ा करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है आपका, जिसको आप मुसख़र करना चाहते हैं, जिसको आप यकीन माने कि वो आज दुनिया में कहीं पर भी हो, किसी जगह पर भी हो, आपके पास जैसे होता है ना, एक जैसे पाँव के बल या माजरत के साथ कदमों के बल जो है चल के आप तक पहुंच जाएगा, दीवानावार आप तक पहुंच जाएगा, आपकी जुदाई तक बर्दाश्त नहीं करेगा और इतना आपसे प्यार करेगा कि आपकी सोच है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखेंगे, शरीयत जो है ये अमल करें और शरीयत के ख़िलाफ़ ये अमल ना करें। मियाँ बीवी भी मतलब कि अपने किसी मसाइल के लिए अमल कर सकते हैं, अगर किसी की शादी नहीं हो रही तब भी ये अमल कर सकते हैं, कि यानी कि रिश्ता आया हो और वहाँ पर हो ना रहा हो तब भी ये अमल कर सकते हैं। माएँ बेटियों के लिए, बेटों के लिए भी ये अमल कर सकती हैं, इंशाल्लाह वहाँ से पैगाम आ जाएगा। ये अमल बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन इसका नाजायज़ इस्तेमाल ना करें, हराम काम के लिए इस्तेमाल ना करें, किसी को सज़ा देने के लिए, किसी को नफ़रत बढ़ाने के लिए, किसी से नफ़रत या कोई गुस्सा निकालने के लिए ये अमल ना करें, बल्कि इस अमल को अच्छे तरीके के लिए इस्तेमाल करें ताकि अल्लाह पाक भी खुश हो और अमल भी चले। आप दूसरों का फ़ायदा सोचना शुरू कर दें, अल्लाह पाक खुद ब खुद आपका जो फ़ायदा, मतलब कि अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें आपके ऊपर होना शुरू हो जाएंगी और आपके हर चीज़ में नफ़ा और फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आप दूसरों का नुकसान करना शुरू कर दें, यकीन माने जितने आप जलील व ख्वार होगे, और ये वक्ती फर्स्ट मतलब कि नहीं होगा, शुरू में साथ ही नहीं होगा, आहिस्ता 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 जो है ये चीज़ें असर रखती हैं, ठीक है ना। और हमेशा याद रखें, अल्लाह पाक को नाराज़ करना बहुत बदबख्ती की अलामत है, तो अल्लाह पाक को नाराज़ ना करें, जायज़ काम के लिए ये अमल करें, इंशाल्लाह आपका हम भी भरपूर साथ देंगे। कोई मसला कोई परेशानी है ज़रूर हाजिर हैं। हर अमल इजाज़त के बगैर कभी भी ना करें, जब तक हम इजाज़त ना दें अमल नहीं आप कर सकते। जब आपको इजाज़त मिल जाए फिर अमल करें, वरना जो है फिर ये होता है कि जैसे एक उस्ताद और शगीर्द का होता है, जब तक उस्ताद अपने शगीर्द को इजाज़त ना दे अमल नहीं करना चाहिए। तो फिर आप इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। इसी के साथ इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ बहुत ताकतवर और बहुत ज़्यादा जो है ताकत भी रखता है, और अगर जिन लोगों का रिश्ता नहीं हो रहा, जिन लोगों के रिश्तों की बंदिश हैं, लड़कियों की, लड़कों की, तो उनकी माएँ जौन सा हैं, ये जो आज मैं तावीज़ बनाना बताने लगी हूँ, तो ये ज़रूर तैयार कर लें और अपने सीधी बाजू पे आपने ये नक्श बांधना है। नक्श क्या है? बेशबा कीमती ख़जाना है। अच्छा, इसका तरीका ये है कि अगर कोई प्यारा आपसे रूठ गया है, नाराज़ हो गया है और आपसे नहीं बोलता, लड़ाई हो गई है, आपसी मोहब्बत ख़त्म हो गई है, आप लोगों की चाहत ख़त्म हो गया, तो ये अमल ज़रूर करें। मोहब्बतों के फासलों को कम करता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल ये जो मैं आपको वजीफ़ा और अमल बताने लगी हूँ। यकीन माने हज़ारों तवीज़ों या नक्शों को जमा करोगे ना तब भी ये नहीं मतलब कि बन पाएगा। ये एक ऐसा नक्श मैं आपको बताने लगी हूँ, इंतहाई आसान
और मैं कहती हूँ जो आप जादू टोने और गलत मलत आमिलों के पास जाके वक्त पैसा बर्बाद करते हैं, इवन खवातीन जो उनसे अपनी इज्जत तक बर्बाद करती हैं उनको घर बैठे इतने बड़े बड़े खजाने मिल रहे हैं, तो इनसे मदद हासिल करें। अगर कोई परेशानी है तो हम मुझसे शेयर करें, मैं आपकी बहन होने के नाते इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करूंगी। और यकीन माने ये जो नक्श है इतना ताकतवर है कि आपकी सोच है मोहब्बत के लिए बहुत ही मुजरब है। अब आपने क्या करना है, 786 मरतबा पहले बिस्मिल्लाह का विर्द करना है, अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है, और आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखनी है कम से कम 33 मरतबा एक कागज के ऊपर, और मार्कर जो है हरे रंग का इस्तेमाल करें। और जो है आपने बिस्मिल्लाह लिख के अब आपने क्या करना है, नीचे अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, और जिसके मुसख़र कर रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं, या किसी का रिश्ते का मसला है तो उसके लिए कर रहे हैं, तो उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लिख दें, ठीक है। लिख कर इसको हरे रंग के डब्बे के अंदर बांध दें, हरे रंग के डब्बे के अंदर बांध के ना ऊपर उसके ऊपर हरे रंग की डोरी मतलब के बांध दें। अब डब्बा और डोरी आप पहले मंगवा के रख लीजिएगा, नक्श तैयार करें और अच्छी सी बेशक कोई खुशबू भी इसके अंदर लगा दें, नक्श के अंदर गुलाब की खुशबू बहुत मोतबर होती है, गुलाब की खुशबू लगा दें। ये एक ही दिन का अमल है, ठीक है। आप रख दें ये डब्बे में, जब तक आपका नाम पैक रहेगा डोरी आप बांध दें, कम अज कम ये अपना अमल जो है 7 दिन तक ये अपना असर दिखाता है। दिल के अंदर विर्द रखें, दिल के अंदर हर वक्त अपना जो है विर्द आपने बिस्मिल्लाह का ही रखना है, और कोई नहीं पढ़ना कुछ, आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते रहना है, और इंशाल्लाह देखिएगा ये बहुत ताकतवर अमल है, इसकी कदर जानिएगा। माएँ अगर रिश्ते के लिए किसी के घर जा रही हैं बेटी या बेटे के लिए, तो अपनी बाजू पे बांध लें। अगर आपसी मोहब्बत के लिए मियाँ बीवी के लिए बांधे तो औरत अपनी बाजू पे, सीधी बाजू पे बांध लें। और अगर कोई मतलब कि किसी को मुसख्खर करना चाहते हैं या कोई ऐसा मसला है तो फिर डब्बे में रख लें। रिश्ते नहीं आ रहे तो तब भी इसको डब्बे में भी रखा जा सकता है। थोड़ा सा इसका तरीका समझने की देर, अगर आपको नहीं समझ आती 1000 मरतबा पूछे हमारे मेल पे आके, हम आपको भरपूर मदद करेंगे। बेशक आप फेसबुक पे हैं, बेशक आप मेल पे हैं, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से कर लें ताकि नायाब अमल आप तक पहुँचते रहे। इजाज़त।